कुषाण डायनेस्टी। कुषाण सर नाउ वाज युची और तोचरिन। हम लोग बात कर रहे हैं कुषाणों को, हम लोग युची या तोचरिन के नाम से भी जानते हैं। युची ट्राइब वाज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट। हम लोग बात कर रहे हैं जो युची ट्राइब थी वो कितने पार्ट में डिवाइड थी, वो फाइव पार्ट के अंदर डिवाइड थी। वन ऑफ दिस ट्राइब एंड रूल इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। उसी फाइव पार्ट के अंदर से एक पार्ट के अंदर क्या होता है, वो जो ट्राइब होती है वो इंडिया के अंदर एंटर होती है और यहाँ पर रूलर करती है, मतलब यहाँ पर शासन करती है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसके जो फेमस जो किंग रहे उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। कुजुल कड़फिस हम लोग बात कर रहे हैं, जो फेमस जो पहला किंग था इनका कौन था, कुजुल कड़फिस था। इसने जो शासन किया कब से कब तक किया, 1582-65 AD के बीच में इसका इसने शासन किया। ही स्टेबलाइज्ड द ग्लोरी ऑफ हिज एंड ट्राइब। हम लोग बात कर रहे हैं कुजुल कड़फिस अपनी जाति का गौरव था, किसकी जाति का, अपनी युची जाति थी या तोचरिन जो जाति थी उसका गौरव था। ही मर्ज्ड साउथर्न अफगानिस्तान काबुल कंदार एंड पार्ट ऑफ पार्थिया इन पार्थिया इन हिज एम्पायर। हम लोग बात कर रहे हैं इसने अपने साम्राज्य के अंदर मर्ज किया किसको, साउथर्न अफगानिस्तान को, इसके अलावा काबुल को, कंदार को, इन सभी को अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया। इसके अलावा पार्थिया भी इसी साम्राज्य का भाग था। He also adopted Vedic religion. हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर इन्होंने किस धर्म को, किस रिलीजन को अडॉप्ट किया, वैदिक रिलीजन को अडॉप्ट किया। फिर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट रूलर की, हम लोग बात कर रहे हैं भीम कड़फिस सेकंड। इन्होंने जो शासन किया कब से कब तक किया, 65 AD-75 AD के बीच में इन्होंने शासन किया। ही रूलड ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत के बहुत बड़े पार्ट के ऊपर शासन किया। He was the follower of Siva sect. इस विम की बात हम लोग करने वाले हैं, विम कड़फिस की बात करने वाले हैं। इन्होंने किस रिलीजन को अडॉप्ट किया, इन्होंने किया शिवा सेक्ट को, मतलब शैव धर्म को इन्होंने अपनाया, उसको इन्होंने फॉलो किया। On some of his and coin images of an tribhuj and vyagra macha magrahi and trishuldhari protect of nandir lord shiva has been an inscribed। हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्होंने क्या किया, अपने कॉइन्स के ऊपर किसकी इमेज लगाई, किसकी भी लगाई, त्रिभुज की बात की इमेज लगाई। हम लोग बात कर रहे हैं त्रिशूल की, हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा व्याघ्र मचार ग्राही की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा त्रिशूलधारी की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर कौन कौन सी इमेज लगाई, त्रिभुज की इमेज लगाई, व्याघ्र मचार ग्राही की इमेज लगाई, इसके अलावा त्रिशूलधारी की इमेज लगाई। प्रोटेक्टर ऑफ नंदी लॉर्ड शिवा हैज बीन इनक्रेडिटेड। ही सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन इन हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हम लोग बात कर रहे हैं ये किस धर्म को मानने वाले थे, ये नंदी को मानने वाले थे, शिव को मानने वाले थे, और ये मानते थे कि ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर पहली बार गोल्ड कॉइन के ऊपर अपना नेम और अपनी इमेज छापने वाले कौन थे, वो थे विम कड़फिस सेकंड थे। फिर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट रूलर की, हम लोग बात कर रहे हैं कनिष्क की, हम लोग बात करने वाले हैं। He is regarded as one of the important ruler of India. हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत के important ruler की बात कर रहे हैं, उनमें से एक नाम किसका आता है, उसमें से एक नाम आता है कनिष्क का नाम आता है। His first capital was the Peshawar Purushpur. हम लोग बात कर रहे हैं कि कनिष्क की जो first capital थी, first capital कौन सी थी, पेशावर या पुरुषपुर थी। And his second capital was Mathura. और जो इनकी second capital थी वो क्या थी, वो थी मथुरा। He started a new era in 78 AD. हम लोग बात कर रहे हैं कनिष्क ने 78 AD के अंदर एक न्यू एरा चलाया, मतलब नया संवत चलाया। Which is renowned in the name of an Shak era. हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। कनिष्क कॉन्क्यूड कश्मीर एंड स्टेबलाइज ए टाउन नेम ऑफ कनिष्कपुर। हम लोग बात कर रहे हैं कनिष्क ने कश्मीर को जीतने के बाद में वहां पर एक टाउन बसाया, एक नगर बसाया, किस नाम से, कनिष्कपुर के नाम से। He also gained and victory over in Kashgar, Yarkand and Khotan. इसके बाद कनिष्क क्या करता है, अपनी विक्ट्री अवर करता है और किस किस को जीतता है, वो जीतता है काशगर, यारकंद और खोतान को जीतता है।
a gold coin which has been an executive and farm and Marsan Bogra. इसके अलावा हमें एक गोल्ड कॉइन मिला है. ये गोल्ड कॉइन हमें कहां से मिला है? ये महास्थान बोगरा से मिला है. इसमें क्या बताया गया है? Has a standing statue of Kanishka inscribed on it. इस सिक्के पर कनिष्क को स्टैंडिंग मतलब खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है. किसको दिखाया गया है? कनिष्क को दिखाया गया है. Another statue of Kanishka has been found in Mathura. इसके अलावा कहीं और से हमें भी एक सिक्का मिला है. वो कहां से मिला है? मथुरा से मिला है. जिसके अंदर भी क्या है? एक कनिष्क का एक पुतला मिला है. कहां से मिला है? मथुरा से मिला है. वो भी हमें खड़ी मुद्रा में मिलता है. In this statue, he is weaving a rope up to his knee with a heavy boots. उस पुतले पर उस जो हमें मूर्ति मिली है उसमें क्या दिखाया गया है? हमें कनिष्क को उसके घुटने तक एक चोगा पहने हुए दिखाया गया है. क्या पहने दिखाया गया है? चोगा पहने हुए दिखाया गया. Weaving a rope up. इसके अलावा heavy boots और पैरों में क्या दिखाया गया है? Heavy boots दिखाए गए हैं. On a copper coin, Kanishka has been and show and performing and sacrifice at his altar. हम लोग बात कर रहे हैं. इसके अलावा हमें कॉपर कॉइन मिलता है, तांबे का सिक्का मिलता है. उस तांबे के सिक्के पर कनिष्क को सैक्रिफाइस करते दिखाया गया है. किसकी मतलब हमें उस सिक्के पर क्या देखने को मिलता है? एक जानवर की बलि देते हुए कनिष्क को दिखाया गया है. इन दिस रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क हम लोग बात कर रहे हैं. कनिष्क के रॉयल कोर्ट में कौन कौन रहता था? बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल लाइक एंड पार्श्व वसुमित्र एंड अश्वघोष. हम लोग बात कर रहे हैं पार्श्व वसुमित्र और अश्वघोष जो विचारक थे वो यहाँ पर रहते थे, उसकी कोर्ट में रहते थे. फेमस मैथमेटिक्स लाइक एंड नागार्जुन. इसके अलावा जो नागार्जुन था महान गणितज्ञ जो था, कौन? नागार्जुन. नागार्जुन भी उसकी कोर्ट में था, उसके दरबार में था. एंड रिनोवेट सर्जन लाइक एंड चरक वेयर एंड प्रेजेंट हम लोग बात कर रहे हैं. इसके अलावा महान चिकित्सक जो रहे हैं, सर्जन जो रहे हैं, वो कौन है? चरक रहे हैं. तो चरक भी किनकी कोर्ट में थे? वो थे कनिष्क की कोर्ट में रहा करते थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.